ओके इलेक्ट्रिक करेंट. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कैपेसिटर दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. सो ऑन एनी कंडक्टर, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, charges are placed, then its potential increase. Whenever the body is charging, its potential increase. So we write it potential increase. Similar as a water tank, if water is stored in this, its height increase, and if height increase, its pressure increase. Okay, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इसमें करंट फिल करते हैं, इसमें हम वाटर फिल करते हैं. तो करंट किसके इक्विवेलेंट हुआ? वाटर. ओके, इसमें करंट, सॉरी नॉट करंट, वी राइट हियर चार्ज. ओके, इसमें हम चार्जेस रखेंगे और इसमें हम क्या रखेंगे? वाटर रखेंगे. अगर चार्जेस हम रखते हैं तो इनका पोटेंशियल इंक्रीज होता है. पोटेंशियल इसका क्या इंक्रीज होता है? हाइट इंक्रीज होता है, मीन्स प्रेशर इंक्रीज होता है. प्रेशर, इतनी चीज़ें क्लियर है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जो कोई कंटेनर है उसको हम वाटर उसमें फिल करेंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा. ओके, एक चीज़ फंडामेंटल चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो ये कि वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल फ्लो होता है. तो इसका सपोज प्रेशर ये है, ये हाइट है, और इसको हमने दूसरे कंटेनर से ऐड कर दिया जिसके पास वाटर या फिर वाटर नहीं है, इसकी हाइट इतनी सी है. सिंपली हम बोलना चाह रहे हैं कि इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर कम है. दिस इज़ पी वन एंड दिस इज़ पी टू फॉर दिस हाइट, एंड पी वन इज़ ग्रेटर देन पी टू, और इसको हमने ऐसे कंबाइन कर दिया. यहाँ से हमने एक पाइप लगा दिया. तो क्या होगा? जिसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका लेवल ज़्यादा होगा, उसमें से वाटर फ्लो होगा इधर. तो जब वाटर फ्लो होगा तो इसको हम बोलेंगे वाटर करेंट. वाटर करेंट. ओके, इसमें क्या है? प्रेशर है. प्रेशर जिधर ज़्यादा होगा उधर से लो प्रेशर की तरफ वाटर फ्लो होता है, ये इजीली हम समझते हैं. ओके, उसके बाद इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है. यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर रखते हैं या फिर इसमें एक वायर लगाते हैं और इसको किसी ऐसे चीज़ से अटैच करते हैं जिसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सपोज 100 है, इसका पोटेंशियल 0 या फिर 50 है. ओके, या फिर इसको हमने अर्थिंग कर दिया. क्लियर? तो ये जो इसको हम बोल लेंगे हाई पोटेंशियल, इसको हम बोल लेंगे लो पोटेंशियल. बिल्कुल ऐसे केस है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका पोटेंशियल कम. तो फिर से हम क्या बोलेंगे कि अब की बार यहाँ पे हमने बोला था कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसमें मैं बोलूँगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. दैट दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कौन करेगा? तो इसमें वाटर कर रहा था, इसमें कौन करेगा? चार्ज करेगा. देन इफ देयर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस, देन चार्जेस मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड व्हेन एवर चार्जेस मूव्स, इट मेक्स इलेक्ट्रिक करेंट. सो दिस वी कॉल इलेक्ट्रिक करेंट. सो व्हेन वाटर इज मूविंग, water is flowing, then we call water current. When air is flowing, we call air current. And when charges are moves, then we call current of electric charge. Okay, so electric current moving charge makes electric current. Okay, now these charges are moves in form of a chain. अगर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव और यहाँ पे हमने निगेटिव लगाया, तो अगर हम ये बोलते हैं कि इसमें चार्जेस
ऐसे चल के ये ऐसे चले गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नहीं है, चार्जेस चेन के फॉर्म में चलते हैं। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो होने को है, इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे ही मूव करेगा, ये एक दूसरे को पुश करेंगे और वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमारा साइकिल का चेन चलता है। अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, सप्लाई होती है, तो जो चार्जेज हैं वो पावर हाउस से चल के एक सिंगल चार्ज, ये सपोज पावर हाउस है और यहाँ से चल के मेरे यहाँ, ये सही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे भी चार्जेस हैं, यहाँ पे भी चार्जेस हैं, यहाँ पे भी चार्जेस हैं, और जब हम इसको पुश करते हैं तो सभी के सभी चार्जेस एक दूसरे को पुश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक चार्ज है, ऐसे चार्जेस हैं, अभी ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइस लगाते हैं, बैटरीज लगाते हैं या फिर कोई और सोर्स ऑफ इनर्जी लगाते हैं, जिसके वजह से ये चार्जेस पुश होकर के इधर जाता है। लेकिन ये सबका नेचर सेम है, तो इसको अगर आप पुश कर रहे हैं तो ये इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, और फाइनली ये इसको पुश किया, तो सभी के सभी चार्जेस जैसे चेन के फॉर्म में ऐसे चलने लगे। तो ये तरीका होता है चार्जेस के मूव करने का। सिंगल ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये चार्ज ऐसे चल करके यहाँ पे गया तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। कैसे चला, तो बिल्कुल चेन के फॉर्म में चलता है, एक क्लोज सर्किट बनती है और चेन के फॉर्म में चलता है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, मूव करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। सपोज दिस इज द कंडक्टर एंड this is positive, this is negative, okay, and in metal, suppose this is the metal, the charge carrier are basically electrons, free electrons. So metal charge carrier, who is the charge carrier, jo charge ko move karta hai usko hum bolte hain charge carrier, that is free electrons. सेमीकंडक्टर, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसमें हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ होल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स भी होते हैं। ओके, लिक्विड्स में पॉजिटिव आयंस होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं। ओके, तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स के मटेरियल में चार्ज कैरियर्स होते हैं। अभी हम बोल रहे हैं ये मेटल है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। ओके, करंट की डायरेक्शन हमेशा हम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बनाते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा, तो हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट बना लिया करेंगे। ये सपोज करंट की डायरेक्शन है, और अभी से हम नोट कर लेते हैं, इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट की डायरेक्शन हमेशा हम पॉजिटिव टू निगेटिव बनाएंगे। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हम खड़े हो गए, और यहाँ पे हमने काउंट किया कि 1 सेकेंड में कितने चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं। इन 1 सेकेंड हाउ मच चार्जेस आर क्रॉस टू दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, दैट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। सो नाउ लेट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम टी amount of charges which passes through cross section is q, then how much charges passes through this cross section in 1 second, then charges passes through a particular cross section in 1 second। टी सेकेंड में अगर क्यू चार्जेस हैं, तो 1 सेकेंड में क्यू बाई टी। सो द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करेंट, एंड वी राइट आई फॉर इलेक्ट्रिक करेंट। सो दिस इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वेन एवर वी हैव टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट, we take a particular cross section and calculate that in 1 second how much charges are passed. So this we call electric current. Now
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दिस वी कूलम सेकेंड, और सिंपली वी नो दैट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, सो दिस इज बेसिकली एम्पियर. ओके, डायमेंशन इज सॉरी ए फॉर एम्पियर. सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड डायमेंशन इज ए. नाउ इज दिस स्केलर और वेक्टर? सो इन करंट देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड वी नो दैट इन वेक्टर क्वांटिटीज देयर इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वन थिंग्स मोर दैट इट शुड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर लॉ का जो एडिशन होता है, जो रूल्स होते हैं ट्रायंगल्स लॉ वगैरह, उसको ओबे करना चाहिए. लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में एक चीज़ हम देखते हैं कि इनके पास डायरेक्शन तो होती है. सपोज़ ये माइनस 10 एम्पियर करंट इधर आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये जाएगी ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में. ओके, और यहाँ से हमने इसको ऐसे कंबाइन कर दिया. तो वेक्टर एडिशन में हमने ये पढ़ा है कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में 10 है और पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 है तो दोनों मिलकर के ज़ीरो हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है. अगर हम यहाँ पे अमीटर लगाते हैं, अमीटर का मीनिंग वो डिवाइस जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं कि वो कितना एम्पियर है, कितना माइक्रो एम्पियर है, दैट वी कॉल अमीटर. जब हम यहाँ पे अमीटर लगाते हैं तो यहाँ पे हमको रिजल्ट ज़ीरो ना मिल करके 20 मिलता है, 20 नहीं मिलता. तो हम ये बोलेंगे कि इसके पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन जो वेक्टर का एडिशन हो रहा है वो ओबे नहीं कर रहा है. अगर वेक्टर का एडिशन ओबे करता तो प्लस 10 माइनस 10 जीरो होना चाहिए था, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड में. सो दिस नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, सो अगेन दिस इज द कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. And this is the area of cross section. This is A. So current density is basically we write this is J for current density. Is the current flowing per unit area of cross section? ये किसी एक particular area of cross section पे कितनी current flow हो रही है. तो अगर हमने ये calculate किया कि इसका area of cross section A है और हमने देखा यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है. ओके, और I करंट का मीनिंग समझ रहे हैं कि यहाँ से 1 सेकेंड में कुछ चार्जेस जो क्रॉस कर रहे होंगे उसको हम I बोल रहे हैं. तो हमने ये कैलकुलेशन किया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो हो रही है वो I हो रही है. तो 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी होगी? I अपॉन A. और 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी. करंट पासिस थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट वी कॉल करेंट डेंसिटी. करेंट डेंसिटी जे, एंड दिस इज आई अपॉन ए. और सिंपली वी कैन राइट आई इज इक्वल टू जे इंटू ए. ओके, नाउ लेट दिस इज द एरिया and current flowing through this area of cross section is I. Now let this area we make like this at a certain angle. Yes, this is theta. Then how much is the effective area on which current is passes? So effective area is this.
दिस वी कॉल एल. देन इफ वी राइट दिस इज ए, क्योंकि हमने यही एरिया था इसी को हमने ऐसे थीटा एंगल पे बेंड किया हुआ है, तो ये ए होगा. ये थीटा क्या होगा, ये थीटा इक्वल होंगे. इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपली लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, एल इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. तो अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे एरिया है तो उसके लिए हम करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा. एंड वी नो दैट दिस इज द स्केलर, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड नाउ इफ दिस इज स्केलर, अगर जे स्केलर होता और उसको हम एरिया में मल्टीप्लाई करते, वेक्टर में मल्टीप्लाई करते, तो उसका रिजल्ट जो आता वेक्टर आता. लेकिन यहाँ पे क्या है, स्केलर है. इट मींस करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. करंट डेंसिटी और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनका रिजल्ट स्केलर इसलिए आया क्योंकि दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है. और ऑलरेडी हम समझते हैं कि जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके साथ साइन थीटा नहीं कॉस थीटा आता है. क्लियर. सो करंट डेंसिटी इज ए, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो एरिया वेक्टर पर डिपेंड कर रही है. अगर एरिया ऐसा है तो करंट डेंसिटी अलग है, एरिया हमने चेंज कर दिया तो करंट डेंसिटी चेंज हो गई. सो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके दैट्स ऑल. सो नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट इन शॉर्ट we write types of electric current. First is the direct current. Direct current means the magnitude of current remains same and also its direction. So now if this is T and this is I, and for every T there is a constant value of I in a particular direction, positive or negative. Okay, so this is called DC, direct current. Second, it may be the variable current, that it goes like this. There are some variation, so the we call this is the variable current. One is more is the alternating current. In short, we write AC. This is important. This is T. Sometimes we see that current is zero. Sometimes we see that current is maximum in positive plus axis. Sometimes become zero and again after some time it will negative and it goes like this. This we call alternating current. It is much similar to an oscillating bulb. Oscillating bulb that at mean position this is height is zero and this is maximum. तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा. तो किसी ऑक्सीलेटिंग बॉडी के लिए ग्राफ ऐसे बन रहा, इसका मीनिंग कि जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस ऐसे मूव नहीं कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, अपने प्लेस पे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे होंगे. तो अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या देखते हैं कि ये कोई कंडक्टर है और ये चार्जेस हैं. ओके और ये कभी इधर जाते हैं, कभी ऐसे चलते हैं, कभी ऐसे चलते हैं. तो किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं. क्लियर. तो जब ये इधर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव करंट है, फिर ये वापस आएंगे तो बोलेंगे ज़ीरो, फिर इधर आए तो हम बोलेंगे निगेटिव. और इस तरीके से ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है. तो अल्टरनेटिंग करंट में हम हमेशा याद रखेंगे कि चार्जेस हमेशा ऐसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं. तो हम बोलते हैं कि वो अल्टरनेटिंग करंट है. और ट्रू और फ्रो मोशन की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है कंटिन्यूसली चेंज होती है.
वन टाइप्स ऑफ करंट इज मोर, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, के कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, उसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इनिशियली जो वो एनर्जी रिलीज करेगा, करंट को फ्लो करेगा, क्योंकि हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, ये कैपेसिटर है सपोज, इसके पास बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, अभी इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 100 पोटेंशियल है, इसको हमने ज़ीरो से कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया, इसमें से चार्जेस मूव किए, तो अभी हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेज़ी से चार्जेस मूव करेंगे, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 100 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कुछ करंट की वैल्यू होगी, जैसे ही चार्जेस मूव करके इधर आएंगे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि चार्जेस कम होते जाएंगे और पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो जो करंट की वैल्यू होगी, जो चार्जेस के फ्लो होने का रेट होगा, वो भी डिक्रीज होने लगेगा, और फाइनली क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका जब हम बनाएंगे ग्राफ तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि इनिशियली इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और फिर धीरे धीरे कम हो गई, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, एक बार हाई वैल्यू फिर लो, सो दिस वी कॉल इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, थैंक यू।